गाजियाबाद इंद्रप्रेस इंजीनियरिंग कॉलेज में अड़ुवत पृथक आचार्य श्री तुलसी के 22वें महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में एवं महाउत्सव शुभारंभ के अवसर पर आयोजित पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में हरित ऋषि विजय पाल बघेल, डॉक्टर कुसुम लुनिया, माननीय विधायक श्री सुनील शर्मा, डॉक्टर बी सी शर्मा, मिस यूनिवर्स अलका आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने पर्यावरण को लेकर सक्षम न्यूज इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं अलका आर्या, मिस यूनिवर्स के लिए 2017। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद मैनी एनजीओ फॉर एनवायरमेंट्स। आई एम वर्किंग विद महाराष्ट्र, देयर इज एनजीओ अर्थ एनजीओ दैट इज वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल कॉज। और आज इस कार्यक्रम में जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रखा गया है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं तो वी विल थिंक अबाउट दैट, हमें उस लेवल से सोचना भी पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज और प्लांटेशन, बिकॉज वी ऑल नो कि पेड़ के क्या फ़ायदे होते हैं, उससे हमें हमारी प्रकृति में क्या क्या मिलता है, हम सभी को पता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको वो पेन समझाना चाहूँगी, वो सेंसिबिलिटी, वो पार्ट आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में जहाँ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, बट वी हैव एंड जो ट्रीज़ हैं हमारे इंडिया में 35 बिलियन। अगर वी विल इवेल्यूएट दिस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम अगर हम कंपैरिजन करेंगे दुनिया के और देशों से और कंट्रीज से, तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने पीछे हैं। 35 बिलियन ट्रीज 1.3 बिलियन पॉपुलेशन पे, पर पर्सन 28 ट्रीज। इफ वी टॉक अबाउट कनाडा, देयर इज 301 बिलियन ट्रीज पर पर्सन, 1493 ट्रीज। इफ वी टॉक अबाउट ब्राज़ील, देयर आर 318 बिलियन ट्रीज इन ब्राज़ील एंड पर पर्सन। इफ वी एक्चुअली ये कार्यक्रम हमारे भारतवर्ष की इस समय नीड है, क्योंकि आजकल बहुत ही वृक्षों का जो जैसे कटान हो रहा है, डिफरेंट पर्यावरणवादी जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, बिकॉज हम खुद वृक्षों का इतना इस्तेमाल करते हैं, इवन जो व्यक्ति मरता है तो वो उसके लिए भी 700 केजी लकड़ी लगती है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमने जितनी लकड़ी का अपने जीवन में इस्तेमाल करा है, उससे ज़्यादा अगर हम लकड़ी प्रोड्यूस कर नहीं देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, एंड ये सब चीज़ें नेगेटिव की तरफ चली जाएंगी। इसलिए इवन इन चीज़ों से हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्टूडेंट्स में पर्यावरण से रिलेटेड कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों में संचेतना की भावना को जगाते रहते हैं, जिससे कि हम लोग नए नए जैसे ग्रीनरी का डेवलपमेंट हो। सर आज के जिस तरह सर मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक मेन मुद्दा है। दूसरा पानी जिस तरह से लोग बेकार करते हैं, और जो जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं, तो अधिक से अधिक किस तरह से काम करना चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया जाए, जो सारी चीज़ अच्छा हो जाए। कार्यक्रम अणुवत समिति दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, पर्यावरण सचेतक समिति भारत और वन विभाग गाजियाबाद की तरफ से सम्मिलित रूप से आयोजित था। आज हमारा जो मेन एजेंडा था अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी का 22वां महाप्रयाण दिवस और वन महोत्सव 2018 का शुभारंभ। आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे सुनील शर्मा जी, वो वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए पूरे सदन से अपील करके गए कि सब अपने अपने स्थान पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे तो गाजियाबाद। इस ढंग के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए, लोगों में इसमें अवेयरनेस पैदा होती है। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जल और पेड़, ये खत्म होते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता हो, इसका सही सदुपयोग हो, और अणुव्रत आंदोलन इसमें कितना सहयोगी बन सकता है, इस पे आज हमने चर्चा की। इस ढंग के कार्यक्रम समय समय पर होंगे, लोग जागरूक होंगे और लोगों में एक नई चेतना का विकास होगा। जैसे कि आपने बताया कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, और जिस तरह से पर्यावरण को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से मतलब काम करना चाहिए लोगों के लिए ताकि ये हरियाली बढ़े और प्रदूषण ठीक रहे। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, लोगों को आप इनके साइड इफेक्ट नहीं बताएंगे, अंदर से भावना जब तक पैदा नहीं होगी,
ऊपर किसी को थोपा हुआ काम नहीं हो सकता। अंदर की चेतना का जब तक विकास होगा, लोग स्वयं सोचेंगे कि हमें कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी है, कैसे हम पानी को बचाएं, पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते हैं पर्यावरण रक्षा के लिए, हम पेड़ लगाते हैं और पहले से लगे पेड़ों की रक्षा करते हैं। जिन पेड़ों में दीमक लगी है और उनको बचाते हैं, पौधों में पानी अगर ना हो तो पानी की व्यवस्था करते हैं और